बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू स्टोरी लैंड एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय न्यू सब्सक्राइबर्स हु हैव रिसेंटली सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आई एम उम्मे मोहम्मद एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द वर्कबुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 10 कराटे पैरेट फ्रॉम न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 एंड इट इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ दिस बुक। इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय निश यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا। اے اللہ میں آپ سے نفع بخش علم پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کا سوال کرتی ہوں। The name of this chapter is Karate Parrot and first section of exercise is section A, tenses revision। You already know quite a lot about tenses। آپ ابھی تک tenses کے بارے میں کافی کچھ جان چکے ہیں। Here is a summary of three tenses। यहाँ भी थ्री टेंसेस की एक छोटी सी समरी दी गई है, उनको समराइज़ कर दिया गया है टेबल की फॉर्म में। यहाँ पर हमें जो वर्ब गिवन है वो है टू वॉक, और इसके लिए हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में सेंटेंसेस बनाएंगे, और इसकी तीनों टाइप्स के भी यानी सिंपल टेंस भी बनाएंगे, कॉन्टीन्यूस टेंस भी और परफेक्ट टेंस भी। सबसे पहले सिंपल टेंस को देखते हैं। ही वॉक्ड, पास्ट में ये ऐसे होगा, प्रेजेंट में हो जाएगा ही वॉक्स, एंड फ्यूचर में जब इसको लिखेंगे तो ही विल वॉक। इसी तरह कॉन्टीन्यूस टेंस में देखें तो पास्ट में होगा ही वॉज वॉकिंग, प्रेजेंट में ही इज़ वॉकिंग, एंड फ्यूचर में ही विल बी वॉकिंग। और परफेक्ट टेंस को देखें तो पास्ट में होगा ही हैड वॉक्ड, प्रेजेंट में ही हैज़ वॉक्ड, एंड फ्यूचर में ही विल हैव वॉक्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। कैन यू कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, हमें टू टेबल्स गिवन है। फर्स्ट में जो वर्ब है दैट इज़ टू वर्क, एंड सेकेंड में है टू स्विम, और इन दोनों वर्ब्स को यूज़ करते हुए हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों टेंसेस में सेंटेंसेस बनाने हैं, सिंपल भी कॉन्टीन्यूस भी और परफेक्ट टेंसेस भी। पहले हम टू वर्क को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे। सिंपल टेंस इसका जो पास्ट में होगा वो होगा ही वर्कड, प्रेजेंट में ही वर्क्स, एंड फ्यूचर में ही विल वर्क। इसी तरह कॉन्टीन्यूस टेंस जब हम बनाएंगे तो पास्ट में होगा ही वॉज वर्किंग, प्रेजेंट में ही इज़ वर्किंग, एंड फ्यूचर में ही विल बी वर्किंग। और इसी तरह से परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट में ही हैड वर्कड, प्रेजेंट में ही हैज़ वर्कड, एंड फ्यूचर में ही विल हैव वर्कड। नेक्स्ट हम टू स्विम को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे। सिंपल टेंस में पास्ट में होगा ही स्वैम, प्रेजेंट में ही स्विम्स, एंड फ्यूचर में ही विल स्विम। कॉन्टीन्यूस टेंस में ही वॉज स्विमिंग, प्रेजेंट में ही इज़ स्विमिंग, एंड फ्यूचर में ही विल बी स्विमिंग। और परफेक्ट टेंस में पास्ट में होगा ही हैड स्वम, प्रेजेंट में ही हैज़ स्वम, एंड फ्यूचर में ही विल हैव स्वम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। कैन यू से इन विच टेंस दीज सेंटेंसेज आर रिटन, हमें कुछ सेंटेंसेज गिवन है और इनको हमने फिगर आउट करना है, इनका एनालिसिस करना है कि ये कौन से टेंस में है, उसकी टाइप बतानी है और टेंस भी बताना है। ए है हमारे पास सेंटेंस द मैन वर्कड हार्ड, बी है शी प्लेज टेनिस, नेक्स्ट सेंटेंस है द टाइगर एट द डियर, डी We will walk to the park, and E, the cat is sitting near the window। अगर हम इनका एनालिसिस करें तो फर्स्ट सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है वर्कड, और सेकेंड में हम देखें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और हम एस या ई एस यूज़ कर रहे हैं। जब सेकेंड हो तो ये पास्ट में यूज़ होती है, और फर्स्ट जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है। लेकिन प्रेजेंट में भी अगर आई एन जी यूज़ करें तो वो कॉन्टीन्यूस होता है, तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं है बल्कि सिंपल प्रेजेंट है सेकंड जो सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस को देखिए तो द टाइगर एट द डियर, एट इज़ सेकंड फॉर्म ऑफ ईट, तो ये भी पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस होगा ये भी। डी हमारे पास वी विल वॉक टू द पार्क, विल यूज़ हो रहा है, ये फ्यूचर की निशानी है विल शैल, तो ये फ्यूचर टेंस है। लेकिन फ्यूचर में भी आई एन जी वगैरह नहीं होती तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, आई एन जी यूज़ होता तो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस बन जाता, अब ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। और ई है हमारे पास द कैट इज़ सिटिंग, इसमें इज़ यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम और आई एन जी, ये कॉन्टीन्यूस की निशानी होती है। इन सब क्लूज और सिंबल्स की हेल्प से हम देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस में, सेकंड है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, थर्ड है सिंपल पास्ट टेंस में,
डी जो फोर सेंटेंस है दैट इज़ सिंपल फ्यूचर टेंस, और लास्ट जो सेंटेंस हमें गिवन है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी यूजिंग द डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर वन इज यूज़ योर डिक्शनरी एंड फाइंड द मिसिंग लेटर्स। अपनी डिक्शनरी को यूज़ करें और मिसिंग लेटर्स को फाइंड आउट करें इन द वर्ड्स बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स गिवन है, इनमें मिसिंग वर्ड्स हमें दिए गए हैं, ब्लैंक्स दिए गए हैं। फॉर ईच गैप डिसाइड वेदर द मिसिंग लेटर इज अ वाउल और कॉन्सोनेंट। हमने डिसाइड करना है कि नीचे जो हमें ब्लैंक्स दी गई हैं, जो वर्ड्स हमने इनमें फिल करने हैं वो कॉन्सोनेंट होंगे या वाउल होंगे। इन ब्लैंक्स में कॉन्सोनेंट्स और जो वॉल वर्ड्स हैं वो फिल करने के बाद हम देख सकते हैं जो वर्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं पेट्रोल, फियर, पॉइस, इलेवन, पॉइंट, क्लियर, फ्रॉलिक, स्टोन, सर्वाइव, स्टार्ट, मैजेस्टी, वर्डी, मैनी, स्ट्रीट्स, हैजर्ड एंड अननेसेसरी। वॉल वर्ड्स आप जानते हैं ए ई आई ओ यू, फाइव वर्ड्स होते हैं, और इसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इसके बाद है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स वेट और फोर्स। स्ट्रेस का मतलब होता है वजन या ताकत। इन इंग्लिश वर्ड्स आर ब्रोकन अप इनटू सिलेबल्स। इंग्लिश लैंग्वेज में हम वर्ड्स को सिलेबल्स में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। व्हेन वी से अ वर्ड वी डू नॉट पुट द सेम फोर्स ऑन ऑल द सिलेबल्स। और जब हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो हर सिलेबल पर हम एक जैसी फोर्स नहीं लगाते। सम सिलेबल्स हैव मोर स्ट्रेस दैन अदर्स। कुछ सिलेबल्स पर हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, ज़्यादा जोर या ज़्यादा ताकत लगाते हैं दूसरे सिलेबल्स के मुकाबले में। लुक एट द वर्ड गार्डन। एग्जाम्पल हमें दी गई है गार्डन के वर्ड की। यू मे नॉट रियलाइज इट, हो सकता है आपको ये बात रियलाइज ना हो, आप इसको यकीन ना करें, बट वी से द फर्स्ट सिलेबल गार विथ मोर फोर्स दैन द सेकेंड सिलेबल डन। हम गार पे ज़्यादा जोर देते हैं और डन पे कम, गार्डन। ट्राई सेइंग द वर्ड गार्डन विथ मोर फोर्स ऑन द सेकेंड सिलेबल। अब इसको आप इस तरह से बोलने की कोशिश करें कि आप सेकेंड सिलेबल पे ज़्यादा स्ट्रेस करें। एंड हियर हाउ स्ट्रेंज इट साउंड। और आप इसको सुनने की कोशिश करें कि कितना अजीब लगता है। जिस तरह से हम गार्डन बोलते हैं तो गार्डन इस तरह से बोले थे बहुत अजीब लगेगा। इन द डिक्शनरी स्ट्रेस इज शोन बाय अ लिटिल लाइन एट द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रेस सिलेबल। डिक्शनरी में इसको कैसे शो किया जाता है, जिस सिलेबल पर हमने स्ट्रेस करना होता है उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर गार्डन वुड बी रिटन लाइक दिस। गार्डन को इस तरह से लिखा जाएगा डी ए आर और उससे पहले एक कॉमा दे दिया गया है, फिर गैप दे के डी ई एन। स्ट्रेस इज इम्पॉर्टेंट वेन वी स्पीक इंग्लिश एंड मोर सो इन पोइट्री। और स्ट्रेस उस वक्त बहुत अहम होता है जब हम इंग्लिश को बोल रहे होते हैं या फिर पोइट्री के वक्त इसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स गिवन हैं, इनको देखना है। द स्ट्रेस सिलेबल्स हैव बीन मार्क्ड। इसमें जो स्ट्रेस सिलेबल्स हैं उनको मार्क कर दिया गया है। से देम अलाउड, उनको ऊंची आवाज़ में पढ़ें। एंड देन ट्राई पुटिंग द स्ट्रेस ऑन द अनस्ट्रेस सिलेबल्स। और उसके बाद आपने ट्राई करना है कि जो अनस्ट्रेस्ड हैं उन पर स्ट्रेस नहीं डालना। अगर हम उस पर स्ट्रेस डालेंगे, उसको ताकत से पढ़ेंगे, तो वो किस तरह से पढ़े जाएंगे, उसको ऐसा आपने प्रैक्टिस करनी है इसको चेक करने के लिए कि किसी वर्ड को जब हम गलत तरीके से पढ़ते हैं तो वो कितना बुरा प्रोनाउंस हो रहा होता है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो वर्ड्स हमें गिवन है उनको देख लेते हैं। डॉक्टर, पुलिस, अटैक, सिनेमा, एंगल, पॉलिश, कनेक्ट, सपोज, टाइगर, मिनट, रिप्लाई, फिजिक्स, सर्कल, हाउसेज, परेड एंड फिजिशियन। अगर हम इन सब वर्ड्स को सिलेबल्स की फॉर्म में तोड़ के लिखें, ब्रेक कर दें इन सब वर्ड्स को, तो हम देख सकते हैं ये किस तरह से ब्रेक हो जाएंगे। और यहाँ पर जो स्ट्रेस्ड सिलेबल्स थे उनको मैंने कैपिटलाइज कर दिया है। जिस तरह से डॉक्टर में है डी ओ सी, जिसका फर्स्ट सिलेबल है, सेकंड इज़ टी ओ आर, डॉक्टर। तो जो स्ट्रेस्ड हैं उनको यहाँ पर कैपिटलाइज कर दिया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं सभी वर्ड्स में जितने भी जो लेटर्स हैं कैपिटलाइज नहीं हैं वो अनस्ट्रेस्ड हैं, और आपने दोनों तरह से इनको पढ़ने की कोशिश करनी है। और इसके बाद आप ये डिफरेंस देख सकेंगे कि इसका कितनी इम्पॉर्टेंस है किसी भी सिलेबल के स्ट्रेस या अनस्ट्रेस्ड होने की। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन सी, हाउ इट इज़ सेट। क्वेश्चन नंबर वन है यूज़ योर डिक्शनरी टू फाइंड द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, इसकी स्पेलिंग हमने डिक्शनरी से फाइंड आउट करने हैं। द पिक्चर्स विल हेल्प यू, पिक्चर्स भी हमें दी गई हैं। नंबर टू है पुट इन द स्ट्रेस मार्क्स टू शो विच सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। और इसमें जो सिलेबल्स स्ट्रेस्ड हैं उनको भी हमने पॉइंट आउट करना है। नंबर थ्री पे है राइट अ डेफिनेशन ऑफ ईच वर्ड, और हर वर्ड की एक डेफिनेशन देनी है हमने। यहाँ पर हम गिवन पिक्चर्स को देख सकते हैं, एलिगेटर है, कैमेलियन है, अकॉर्डियन, बटरफ्लाई एंड पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम इन वर्ड्स के जो स्पेलिंग्स हैं उनको डिक्शनरी से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और इसके स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स को फाइंड आउट करेंगे, और फिर इनकी शॉर्ट डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे।
सबसे पहली जो पिक्चर है वो हमारे पास है एलिगेटर की, तो इसके लिए जो स्पेलिंग्स हैं डिक्शनरी में वो है ALLIGATOR एलिगेटर, और इसका जो फर्स्ट सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है, उसको मैंने कैपिटलाइज कर दिया है। सेकंड है कैमेलियन, इसमें ME जो सेकंड सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है। थर्ड है एक्वेरियन, इसमें COR जो सेकंड सिलेबल है उसको कैपिटलाइज कर दिया। बटरफ्लाई में फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड है, और पैरेललोग्राम में LEL थर्ड जो सिलेबल है, इसके टोटल 5 सिलेबल्स हैं। इन 5 में से जो थर्ड नंबर जो इसका सिलेबल है उसको हम स्ट्रेस्ड सिलेबल बोलेंगे। और अब हम इन वर्ड्स की शॉर्ट डेफिनेशन को देखें तो ए है एन एलिगेटर इज़ अ लार्ज रेप्टाइल इन द क्रोकोटेलिया ऑर्डर, यानी क्रोकोटाइल की फैमिली का एक ये रेप्टाइल है। सेकंड है कैमेलियंस आर अ डिस्टिंक्टिव एंड हाईली स्पेशलाइज्ड क्लेड ऑफ ओल्ड वर्ल्ड लिजर्ड्स, यानी पुराने ज़माने की छिपकली की एक नई किस्म है ये, इसको गिरगिट बोलते हैं। सी है हमारे पास एक्वेरियंस आर अ फैमिली ऑफ बॉक्स शेप्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की फैमिली का एक ये रुकन है। डी है हमारे पास बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट्स हैव लार्ज ऑफन ब्राइटली कलर्ड विंग्स। एंड लास्ट वर्ड इज़ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम इज़ अ सिंपल क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी फोर साइड की एक डायग्राम है जिसमें उसकी ऑपोजिट टू साइड्स हमेशा पैरेलल होती है। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी ING पार्टिसिपल्स, यू नो दैट प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन ING प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर समटाइम यूज्ड एज वर्ब्स, हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ड होते हैं वो ING में एंड होते हैं और इनको हम एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है इसकी आई सॉ अ मैन प्लांटिंग अ ट्री, मैंने एक आदमी को देखा जो दरख्त लगा रहा था। वी हर्ड द बुल बेलोइंग इन द फील्ड, इसकी दूसरी एग्जाम्पल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर समटाइम्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, और इसको हम बाज़ूकात एडजेक्टिव्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है द येलोइंग लीव्स वर स्वेप्ट अवे, इस सेंटेंस में जो येलोइंग का वर्ड है इसमें ING यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन ये एडजेक्टिव के मीनिंग में यूज़ हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ यानी लीव्स के साथ ये यूज़ हो रहा है, ये एज अ वर्ब नहीं यूज़ हो रहा। और सेकंड इसकी एग्जांपल है द ड्राउनिंग मैन शाउटेड फॉर हेल्प, यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहा है तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा, वर्ब नहीं कहलाएगा। फर्स्ट टू सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है और एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, और लास्ट टू सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट से पहले यूज़ हो रहा है और ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है तो ये एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ वर्ब, और यहाँ पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को एज अ वर्ब यूज़ करते हुए हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। हाफ सेंटेंस हमारे पास गिवन है, ए दे वॉच द एलिफेंट्स, बी वी केम टू हेयर यू, सी द मैन सेट राउंड द फायर, डी वी केम अक्रॉस अ मैन, एंड ई द चिल्ड्रन नोटिस्ड अ मंकी। इसको जब हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल को एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंसेस हमारे पास कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। ए में हम इसको कंप्लीट करने के लिए लिखेंगे मूविंग इन द पेस्चर, बी रनिंग फ्रॉम द हॉल, सी एंजॉयिंग द गॉसिप्स, डी हु वाज क्राइंग फॉर हेल्प, एंड ई हु वाज क्लाइंबिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट दीज सेंटेंसेज यूजिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, इन सेंटेंसेस में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करना है, और ये सेंटेंसेस हैं हमारे पास द डैश बॉल केम टू अ हॉल्ट, बी द डैश चाइल्ड वाज गिवन अ बिस्किट, एंड सी अ डैश स्टोन गैदर्स नो मॉस, डी अ डैश मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, एंड ई द डैश कार आउट टर्न एट द कॉर्नर। जब हम इन गिवन ब्लैंक्स में वर्ड्स को फिल करेंगे तो फर्स्ट में हम लिखेंगे मूविंग, बी क्राइंग, सी रोलिंग, डी ड्राउनिंग, एंड ई फास्ट मूविंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, मेक योर ओन सेंटेंसेज विद दीज प्रेजेंट पार्टिसिपल, 3 वर्ड्स हमें गिवन है, शिवरिंग, फाइटिंग, एंड कॉपिंग, इनको यूज करते हुए हमने 3 सेंटेंसेज बनाने हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास शी वॉकड आउट ऑन टू द साइड वॉक शिवरिंग इन द कोल्ड, सेकेंड है आई सॉ द मैन फाइटिंग विद रॉबर्स, एंड थर्ड सेंटेंस है हमारे पास टीचर फाउंड अ स्टूडेंट कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन ई कंपाउंड वर्ड्स, होमवर्क इज अ वर्ड मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, होमवर्क एक ऐसा वर्ड है जो 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, होम प्लस वर्क। लुक एट दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को देखें, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक प्लस बोर्ड, ये भी 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, बाथरूम, बाथ प्लस रूम, इस तरह से है फिंगर नेल, फिंगर प्लस नेल, ये 2 प्रॉपर वर्ड्स हैं, इनको ऐड करके हम तीसरा वर्ड बना लेते हैं। वेन अ वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, जब कोई भी वर्ड 2 या उससे ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनता है इट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड, उसको हम एक कंपाउंड वर्ड बोलते हैं।
फाइंड अ वर्ड दैट विल गो इन ईच ऑफ द ब्लैंक्स बिलो, अपने ऐसे वर्ड को ढूंढना है जो ब्लैंक्स को फिल कर सके, नीचे जो ब्लैंक्स गिवन है। द राइट वर्ड विल फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड, और राइट वर्ड से ही एक कंपाउंड वर्ड बनेगा। नोट है हमारे पास, कंपाउंड वर्ड्स आर रिटन इन डिफरेंट वेज, कंपाउंड वर्ड्स को हम डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। नंबर वन है एज अ सिंगल वर्ड यानी टेबल क्लॉथ, इस तरह से इकट्ठा हमने लिख दिया। सेकेंड है एज टू सेपरेट वर्ड्स, टेबल स्पेस टाइम स्पेस टेबल, यानी टाइम टेबल को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। थर्ड है हमारे पास विद अ हाइफन, एक हाइफन को भी यूज़ कर सकते हैं टाइम लिमिट में, जैसे यूज़ किया टाइम और लिमिट के दरमियान एक छोटी सी लाइन है, इसको हम हाइफन बोलते हैं। क्लूज हमें गिवन है नीचे फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए, टाइम उसके बाद ब्लैंक है, क्लॉक से पहले हमने वर्ड चूज़ करना है इसको कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए, बैग से पहले भी कोई वर्ड हमने फाइंड करना है, पोस्ट के साथ कोई वर्ड हम ऐड करेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट वर्ड है लिस्ट, इसके बाद एफ है टेबल, जी बर्गलर एंड एच इज़ एयर। जब हम इन वर्ड्स के लिए करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा टाइम लाइन, अलार्म क्लॉक, हैंडबुक, पोस्ट कार्ड, विश लिस्ट, टेबल क्लॉथ, बर्गलर अलार्म एंड हेयर कंडीशनर, सॉरी इट्स एयर कंडीशनर। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.